दीदी दीदी खोल दो इसे, नहीं तो मेरे को एक और बहाना मिल जाएगा छुट्टी करने का। आजा, आज क्या बहाना लेके आई है कल की छुट्टी का? अरे दीदी आपको तो पता ही है मेरे पास कमी थोड़ी है बहानों की, कोई सा भी उठा के मार दूंगी। अरे फॉर्मेलिटी के लिए तो बता दे फिर क्यों नहीं आई थी। दीदी पिछली बार कौन बीमार था? तेरा पति। हाँ तो दीदी कल मेरी सास बीमार थी इसीलिए नहीं आई। चल अंदर, तो ये थोड़ा कभी का काम से हटा देती। वो तो मैंने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि आने वाली नई काम वाली तेरे से बहुत ज्यादा पैसे मांगती है। अच्छा भाभी आप मुझे फटाफट काम करने दो, दिव्या भाभी ने जल्दी बुला रखा है आज। क्यों? अरे दीदी आज भैया नहीं है ना घर पे, तो दीदी और मैं बैठ के मोहल्ले पड़ोस की चुगली करेंगे। फिर तो मेरी भी करोगे। हाँ तो और दीदी आपकी तो करेंगी, आप सबसे ज्यादा नाक बदन करके रखती हो। दीदी आपको कोई और काम नहीं है ना? नहीं देखो अगर आप मेरे पीछे पीछे ऐसे घूमोगी ना फिर नहीं होने की मेरे से सफाई। सफाई तो तू वैसे भी नहीं करती, आधा करती आधा छोड़ के चली जाती है। दीदी अगर पूरा पूरा साफ करने लग गई ना मैं, फिर तो हो गए हमसे दिन के 10 घर, एक ही घर करते रह जाएंगे हम। दीदी दीदी क्या आफत आ गई? दीदी ये 10 रुपए का नोट पड़ा था यहाँ। ला ईमानदार है ना, कुछ तो मैं इसलिए भी नहीं हटाती तुझे। अरे दीदी ये तो 10 रुपए का नोट था इसीलिए आपको दे भी दिया, 100 से ऊपर का होता तो आपको पता भी ना पाता कहाँ गया। तो तुम्हारा कोई कुछ कर थोड़ी ना सकता है, तुम्हें पता है तुम्हारे बिना हमारा गुजारा ही नहीं है। वैसे हो दीदी मुझे पता है कि आप एक नंबर की कंजूस औरत हो, बढ़ाओगी तो नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ कि मैं अगले महीने से 500 रुपए बढ़ा के लूंगी, मेरा नहीं चलता अब गुजारा। देख शीला वैसे तो हमारे अकाउंट में लाखों रुपए हैं। लाखों? हाँ लेकिन बढ़ाऊंगी नहीं, अब जल्दी से पोछे का पानी बदल दे क्योंकि बिना कहे तो तू बदलती नहीं। अब मजे की बात बताऊं दीदी, मैं तो आपके कहने के बाद भी नहीं बदलती। तो मैं भी कौन सी कम हूँ, कल को तेरे सर पे खड़े होके पूरी छत धुलवाऊंगी तुझसे। दीदी बस अब आप ना मेरे लिए एक कप चाय बना दो। तुम्हारा बढ़िया है रोज का, पहले खून पीना है फिर चाय भी पीनी है। वैसे दीदी आप तो चाय पे की लस रही हो, दिव्या भाभी जाते ही पहले चाय पराठा देती हैं, कहती हैं पहले नाश्ता कर फिर काम शुरू करियो। तेरी दिव्या भाभी तुझे इतनी गालियां देती है ना, जब तू छुट्टी लेती है तुझे हटाने के लिए तैयार बैठी है, बस कोई मिलने की देर है। ले हाँ तो कल की हटाती आज हटा दे, वैसे ही मुझे चिकचिक नहीं पसंद, काम बहुत है मेरे पास। अच्छा मैंने सुना है कि भैया की और उनकी आपस में लड़ाई भी बहुत होती है, क्या पटती नहीं क्या आपस में? बस पूछो ना भाभी, जरा जरा सी बात पे एक दूसरे को पत्थर मारने को तैयार हो जाते हैं, ना भैया कम है ना भाभी कम है, इतने पैसे होते हुए भी घर में एक रुपए की शांति नहीं। बता। चलो बस दीदी मैं चल रही, उन्हीं के यहाँ जाना है। बताना दी वहाँ मैंने क्या क्या बोला है। दीदी कैसी बातें कर रहे हो आप, जब वो चाय देंगी तब मैं आपकी बातें करूंगी उनसे, जैसे अभी मैं उनकी कर रही हूँ, वरना मेरी चाय कैसे हजम होगी आप ही बताओ। कितनी घटिया आदत होती है ना तुम लड़कियों की, लेट आकर ये शो करना कि मैं बहुत बिजी थी। तुमने मुझे बस आधा घंटा वेट कराया, नहीं तो तुम 2 घंटे भी करवा सकती थी। अरे यार अब मैं तुम्हें सॉरी बोलूंगी लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो यहाँ आना भी नहीं था। अच्छा घर में सब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग मैम, आज सर का कितना बिल बनाना है? हाँ स्वीट भैया यहाँ पर सबसे महंगा शेक कौन सा है? मैम वनीला शेक सबसे महंगा है, लिख लूँ? वनीला मेरे को पसंद तो नहीं है लेकिन ले आओ। यार तूने तो आते ही मेरे दिल पे फाइनेंशियल प्रेशर डाल दिया, टाटा बिरला की औलाद है क्या जो इतना महंगा शेक मंगा रही है? तेरे बाप ने कभी पिलाया तुझे इतना महंगा शेक? बाप पिला सकता तो बॉयफ्रेंड की क्या जरूरत थी। वैसे तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया? भूख तो बहुत तेज लग रही है मुझे, लेकिन यहाँ के रेट्स प्लस तुम्हारे स्नैक्स के पैसे भी मैं ही दूंगा, तो मैं हर बार की तरह यही झूठ बोलूंगा कि मेरा पेट भरा हुआ है। वैसे मेरे को पटा के तुम्हारी स्कूल में इज्जत तो बढ़ गई है। Yeah, इतना मत हंसो, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये क्या है? टेंशन्स की लिस्ट है यार, तुम्हें कौन कौन से महीने में क्या क्या टेंशन्स देनी है। जरूर। वैसे इस महीने तो बर्थडे आ रहा है मेरा। अच्छा तो तुम्हारा भर भर के खर्चा कराऊंगी। हाँ मेरे बर्थडे पर तो तू एक डीओ की बॉटल दे दिया कर, और तेरे बर्थडे पर तुझे हजारों के गिफ्ट चाहिए। मैम योर वनीला शेक। थैंक यू भैया। एनीथिंग एल्स मैम? बस भैया सही है मैम, इस गरीब के साथ इतना ही लेना चाहिए। ओए क्या बे, सही तो कह रहा हूँ, औकात होती नहीं ऐसे रेस्टोरेंट में बैठने की, गर्लफ्रेंड को लेकर शो ऑफ करने चले जाते हैं। अबे तू जा रहा है या नहीं? अच्छा राज टाइम तो मेरे पास बहुत है लेकिन जल्दी जाने का बहाना मारूंगी मैं, तो मैं चलती हूँ। हाँ नो वरीज, ये तो तुम्हारा हर बार का है। वैसे आज पैरों में बहुत दर्द हो रहा है मुझे। हाँ तो स्कूटी के ब्रेक हाथों से लगाया करना। व्हाटएवर, बाय डिम्पी।
और ये जो इतना महंगा वनीला शेक तुमने आधा छोड़ दिया है ना, आधी रात तक मैं इसी के बारे में सोचूंगा। सनी को भी पटाना चाहिए था, कम से कम अमीर तो था। रेडी तो गुड मॉर्निंग मैम, तुम्हें पढ़ाने आना पड़ रहा है सुबह सुबह, काहे की गुड मॉर्निंग। पीछे वालों को तो घुटने में दर्द है शायद, इसीलिए नहीं उठ पाए ना गुड मॉर्निंग करने के लिए। मैम हमें लगा कि हमारे आगे इतने बच्चे खड़े हैं, आप हमें देख ही नहीं पाओगी। नालायक, सिट डाउन। वैसे तो मुझे तुम लोगों से एक रुपए की भी उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी कल जो टॉपिक मैंने तुम्हें पढ़ाया था वो किसी को क्लियर है? राज। मैम मैं दिखा तो रहा था कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अंदर मैथ की किताब खुली हुई थी, इसीलिए मैं सुन ही नहीं पाया आपने क्या पढ़ाया। मलिंगा। मैम मैं ना आपके पीरियड में लंच कर रहा था, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं करके आया था ना। अबे साले। सनी। मैम मुझे तो किसी का पढ़ाया समझ नहीं आता, क्योंकि मैं तो लड़कियां ताड़ने आता हूँ ना। मैम आप दोबारा पढ़ा दीजिए। देखो बच्चों, मैं तुमसे बोलूंगी कि मुझसे 100 बार पूछो, मैं 100 बार बताऊंगी, लेकिन ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर तुमने मेरे से दोबारा भी पूछा तो मैं अकेले जाऊंगी। यस मैम हम जानते हैं, और मैम हमें आपकी इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम फिर भी आपकी कंप्लेन करके आ जाएंगे। एक नंबर के कुत्ते हो तुम। थैंक यू मैम। थैंक यू मत बोलो बेटा, मुझे तो तुमसे वैसे ही खुंदक रहती है। इस बार तो बिना बात मार्क्स काटूंगी तुम्हारे एग्जाम में। काट लो मैम, इस साल तो वैसे भी बोर्ड्स हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। बेटा अगर इससे ज्यादा एक अक्षर भी फालतू बोला ना तो घर का सारा गुस्सा तेरे ऊपर उतर जाएगा। मैम ये तो आप करती रहती हो, एक दिन और कर लोगी तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये तो स्कूल अच्छा पे कर रहा है, वरना मैं तुम जैसे नालायकों की शक्ल भी ना देखूं। मैम हमारी भी मजबूरी है आपसे पढ़ना, कोई ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। अच्छा तो इस बात के लिए राज मैं तुम्हारे पापा को इस बार कंप्लेन करूंगी पीटीएम में, और जब तुम्हें डांटेंगे ना तो मैं सिंपैथी लूंगी। लेकिन मैम मैं घर से पापा को पहले ही सेट करके लाऊंगा कि वो आपसे मिलने ही नहीं आएंगे, तो फिर आपका ये प्लान भी फेल हो जाएगा। अच्छा वैसे मेरा पढ़ाना ना पढ़ाना एक ही बात है, क्योंकि पढ़ाना मुझे आता नहीं है और कोर्स तुम ट्यूशन में पूरा करते हो। सही कह रहे हो मैम। यस मैम। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा टाइम वेस्ट कर लेते हैं और तुम लोगों की फ्यूचर प्लानिंग सुन के उनका मजाक उड़ा लेते हैं। राज तुम बताओ पहले। मैम मैं इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ आपको कुछ बताने में, लेकिन आप पूछ लीजिए। तुम्हें बड़े होके क्या बनना है? मैम मुझे पढ़ना लिखना पसंद नहीं है, तो मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। यूट्यूबर? और कमाने के लिए क्या करोगे? मैम उसी के लिए तो यूट्यूबर बनूंगा। वैसे यूट्यूब पे फेमस होने के लिए किसी फेमस पर्सनालिटी से बात होनी चाहिए, कोई है तुम्हारे घर में फेमस? मैम मैं कोई फुकरा इंसान तो हूँ नहीं जिसका भाई पहले से फेमस हो और डे वन से ही ऑडियंस आ जाए, लेकिन हाँ मेहनत जरूर करूंगा। ऐसे तो बेटा सालों लग जाता है यूट्यूब पे मिलियन फॉलोअर्स करने के लिए। तो मैम रजत दलाल की तरह फेक कंट्रोवर्सी करके ऑडियंस और व्यूज इकट्ठा करना और बाद में अपनी ऑडियंस का काट देना, ये भी तो सही नहीं है ना मैम? सही बात है। मैम ये सब बेकार की बातें हैं, आजकल तो फॉलोअर्स और व्यूज इकट्ठा करना बहुत आसान हो गया है। वो कैसे? अरे भाई यूट्यूब पे लोग क्रिंज शॉर्ट्स डाल डाल के 40-40 मिलियन सब्सक्राइबर्स इकट्ठे कर रहे हैं और इंडिया के नंबर वन यूट्यूबर बन रहे हैं। यू नो व्हाट आई मीन यार, कम ऑन यू नो। नहीं तो भाई दो शादी कर ले, उसमें भी बहुत स्कोप है। कंसिस्टेंट रह लोगे? स्कूल तो तुमसे रोज आया नहीं जाता। रह लेगा मैम। वो कैसे? आशीष चंचलानी थोड़ी है। विपिन गुप्ता। अंकल मेरे को 3 घंटे हो गए हैं बैठे हुए, मेरे से बात वालों का सबका नंबर आ चुका है और ये तो बिल्कुल अभी अभी आए थे। अरे भाई ये डॉग साहब के साडरू साहब थे, ये तो बिना नंबर के ही जाएंगे। और उससे पहले जो गए उनके लिए डीएम साहब का पर्सनली फोन आया हुआ था। तुम्हारे लिए किसका फोन आया? अरे तो मेरे से पहले जितने भी थे सबके लिए डीएम साहब का फोन आया था क्या? अरे मेरे भाई उन्होंने इमरजेंसी फीस दी है, तू भी डबल पैसे दे और चला जा। अरे तो जिसने इमरजेंसी फीस नहीं दी उसको ठीक होने का हक नहीं है क्या? भाई साहब आप आम आदमी हो तो आपको आम सुविधाएं तो मिलेगी। नेक्स्ट। लो आगे आपका नंबर, जाओ। हाँ तो मेरे अलावा यहाँ और कोई बैठा भी नहीं है, साले चोर कहीं के। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, बताओ कितने पैसे हैं जेब में? मतलब? अरे मतलब क्या बीमारी है तुझे? डॉक्टर साहब थोड़ा घुटनों में दर्द है, जाने को तो मैं मेडिकल स्टोर से भी दवाई लेके खा सकता था, लेकिन मैंने सोचा दिखाई लूँ। बस यही गलती कर दी तूने, अगर तू बाहर से दवाई लेता तो 2 दिन में ठीक हो जाता, लेकिन अब तू यहाँ आया है तो तेरा नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा बेटा। नी रिप्लेसमेंट? डॉक्टर साहब आप नी रिप्लेसमेंट अपने लाखों रुपए बनाने के लिए बोल रहे हो ना? इतनी पढ़ाई करी है उसे कहीं ना कहीं तो अप्लाई करूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब मेरे घुटने का क्या, मेरी तो उम्र भी कुछ नहीं है। उससे मुझे क्या है, ले मैं तुझे 20-25 टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, ये करवाने हैं राठी डायग्नोस्टिक सेंटर से। डॉक्टर साहब ये मेरे घुटने की चोट में पेट का अल्ट्रासाउंड क्यों लिखा है? डॉक्टर साहब वो बेड नंबर 3 वाला पूछ रहा है कि 8 दिन हो गए, वो डिस्चार्ज कब होगा? उसको कह दो जब तक नेक्स्ट पेशेंट नहीं आ जाता हम उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते, बेड का किराया कहाँ से निकलेगा हमारा।
नालायक। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने मुझे भी इतने सारे टेस्ट इसीलिए लिख के दिए ना, ताकि आपके पास भर भर के कमीशन आता रहे और आपके क्लिनिक का खर्चा निकलता रहे। अरे भाई, मेरी बीवी का ही डायग्नोस्टिक सेंटर है वो, कमीशन कैसा, सारा पैसा तो घर में ही आना है। क्या बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप खुश तो ऐसे हो रहे हो जैसे मैं आपकी एक एक बात मानने वाला हूँ, लेकिन मैं करूँगा तो भाई जो मुझे करना है। गूगल पर हर चीज़ का सोल्यूशन है। 50 रुपये की दवाई लूँगा मेडिकल स्टोर से और ठीक हो जाऊँगा। आम आदमी हूँ, आम तरीकों से ही ठीक हो जाऊँगा। हेलो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। भाई तो ये वाली वीडियो में हम लोगों ने तुम्हें दिखाया कि इफ द वर्ल्ड वाज ऑनेस्ट, मतलब अगर सब लोग सच बोला करते तो क्या होता। हमने जो लोग भी अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि हरिश्चंद्र से कुछ सीखो, अगर वो सच में सीख लेंगे तो ऐसा होने नहीं। ऐसा ऐसा नहीं होगा। इसमें राज भाई ने अपना कैरेक्टर नहीं डाला, नहीं तो इनके जूते पड़ रहे होते। ये तो ऐसे ही बोलते हैं। अगर सारी दुनिया ऑनेस्ट हो गई ना तो वर्ल्ड विल कोलैप्स। भाई सच में यार, हमने तो अभी सिर्फ 4 सेगमेंट दिखाए हैं कि भाई डॉक्टर पेशेंट हो गया, टीचर स्टूडेंट हो गया, लेकिन अगर पूरी लाइफ में ऐसा कभी लोगों ने कर दिया भाई, हमारे मन में इतनी बातें होती है जो हम कभी बोलते नहीं है, और अगर वो बोल दे तो भाई कलेश हो सकते हैं। तो दुनिया रहने लायक जगह नहीं बची अगर सब सच बोलने लगे। और मुझे ये भी बताओ कि तुम्हें इसमें कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा, और अगर तुम्हारे पास कोई सजेशन हो कि राज भाई अगले पार्ट में कभी इसका बनाओगे तो ये भी उठाना, तो सजेस्ट करो भाई कमेंट सेक्शन में, सब कुछ बताओ, अपना दिल खोल के फेंक दो उसके अंदर। एंड वन मोर थिंग गाइज, मेरा गेमिंग चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम गेमिंग के फैन हो। जस्ट प्रमोट कर रहा हूँ अपने आप को, भिखारी तो भीख मांगनी पड़ती है भाई मेरे को। खैर, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो मैं ही बोलता हूँ, और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। बाय।